नेटफ्लिक्स बिलीव करता होगा नेटफ्लिक्स एंड चिल में, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ थ्रिल एंड चिल में। इसलिए आज का लिस्ट काफी थ्रिलिंग होगा जो आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। इसलिए बिना किसी देरी के बेस्ट थ्रिलर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स पार्ट 3 के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा शिप बीच के पास आकर खड़ा हो जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं सब अपने आप चलने लगता है और क्रैश होने लगता है। और ऐसे में एक फैमिली जो सुनसान इलाके में छुट्टी मनाने आई है, उसके घर पे दो अजनबी आ जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई वो घर उसका है। और तो और मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है और टीवी का कनेक्शन भी चला जाता है। अरे भाई चल क्या रहा है? यही सवाल आपके मन में रहेगा मूवी को देखते वक्त। 2023 में रिलीज हुआ लीव द वर्ल्ड बिहाइंड आपको फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली सीट से चिपका के रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ा डिप करता है, लेकिन आप डेफिनेटली एंड तक बैठे रहेंगे कि मूवी खत्म कैसे होगा। नेक्स्ट है एक ऐसा ट्विस्टी थ्रिलर जिसमें एक डिटेक्टिव को एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया जाता है, जहां एक यंग रियल एस्टेट एजेंट अपने एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग पर मर्डर पाई जाती है। अब इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जिसका अपना एक रियल एस्टेट एम्पायर है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर से बौखला गया है, लेकिन भाई कुछ तो गड़बड़ है, और अपना डिटेक्टिव कूद जाता है इसको इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बॉयफ्रेंड का जीना हराम कर देता है। इंटरेस्टिंग है। 2023 का रेप्टाइल आपको एंड तक गेस करवाता रहेगा कि आखिर मर्डर किसने किया, और एक ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है एक ऐसा मिस्ट्री थ्रिलर जहां हीरो की वाइफ और उसकी बेटी जिसको वो हॉस्पिटल लाया था एक एक्सीडेंट के बाद, दोनों गायब हो जाते हैं, और हॉस्पिटल वाले तो भाई ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो लोग उसकी फैमिली को देखे ही नहीं थे, जबकि भाई डॉक्टर ने चेकअप भी किया था। They're not here. तो आखिर हॉस्पिटल वाले क्या छुपा रहे हैं? ये जानने के लिए आपको 2019 का फ्रैक्चर देखना होगा, और भाई मूवी तो आपको एंड तक गेस करवाता रहेगा कि आखिर हुआ क्या उस हॉस्पिटल में, और उसकी फैमिली आखिर कहां गायब हो गई। वैसे जानवर ज्यादा खतरनाक होता है या इंसान? वेल, इतना तो मुझे पता है कि इंसान जब अपने अंदर का जानवर बाहर लाता है तो भाई वो और भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस मूवी में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अलास्का में 3 बच्चों को वुल्व्स मार देते हैं, और एक माँ एक वुल्फ हंटर को हायर करती है ताकि उन वुल्व्स को मारा जा सके और बदला लिया जा सके। अब जब अपना वुल्फ हंटर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है बाकी सब टाउन वालों के साथ, तो उसको धीरे धीरे समझ आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये काम सिर्फ वुल्फ का हो ही नहीं सकता। 2018 का होल्ड द डार्क में मामला इतना इंटरेस्टिंग होने लगता है कि आप भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि यार कौन ज्यादा खतरनाक है, इंसान या फिर जानवर। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का चूहा बनना इज नॉट ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया, लेकिन इस मूवी में कुछ लोग हैं जो अपना सजा कम करवाने के लिए एक ड्रग एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब एक सेक्लूडेड आइलैंड में एक फैसिलिटी सेंटर में इन वॉलंटियर्स पे एक ऐसा ड्रग्स एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो इनका मूड और बिहेवियर को चेंज कर देता है। Let's do this. और एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ, जिसका परफॉर्मेंस देखकर आप बोलेंगे कि यार इस बंदे में वर्सटैलिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल तो नहीं होगा, और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा ही, और वही ये मूवी यानी 2022 का स्पाइडरहेड में दिखाया जाता है, जो आपको एक जबरदस्त थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगा। एकता कपूर तो भाई कहानी घर घर की बनाई थी, लेकिन इस कहानी में एक ही घर है जिससे अपना हीरो कम विलन ऑब्सेस्ड है। जॉब के जाने की वजह से अपने हीरो का लैविश एंड स्टाइलिश लाइफ खत्म हो जाता है, और अब उसे एक नए और कंपैरेटिवली काफी छोटा घर में शिफ्ट करना पड़ता है। अब ये शिफ्ट तो कर जाता है, लेकिन इसका मन अभी तक उसके पुराने घर से शिफ्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद दोबारा जाता है अपने पुराने घर में, जहां अब एक नई फैमिली रह रही है, और अब वो उस फैमिली को स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है, जो धीरे धीरे खतरनाक टर्न ले लेता है। 2020 का स्पैनिश मूवी द ऑक्यूपेंट एक जबरदस्त थ्रिलर है, जहां आप कंटिन्यूसली एज ऑफ द सीट पे रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि भाई ये जॉबलेस बंदा अब आखिर आगे क्या क्या करेगा। नेक्स्ट है एक बहुत ही वियर्ड लेकिन अगेन एक माइंड ब्लोइंग स्पैनिश मूवी, जिसका कहानी जितना सिंपल है मूवी का मैसेज उतना ही स्ट्रॉन्ग। मूवी में एक वर्टिकल सेल दिखाया गया है जहां प्रिजनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खाना आता है डेली, लेकिन ऊपर से नीचे तक, तो बेसिकली नीचे वाले प्रिजनर्स को खाना मिलना मुश्किल है क्योंकि ऊपर वाले सब हद से ज्यादा खा जाते हैं। 2019 का द प्लेटफॉर्म मूवी है तो एक थ्रिलर सर्वाइवल मूवी, लेकिन मूवी दिखाता है कि इंसान कितना ग्रीडी हो सकता है
कितना सेल्फिश हो सकता है और यहाँ तक के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मार भी सकता है। इस मूवी को देखने के लिए भाई पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक मास्टरपीस है। नेक्स्ट मूवी का एंडिंग आपको हिला कर रख देगा। दो बेस्ट फ्रेंड्स अपने स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को छोड़कर मीलों दूर क्रोएशिया चले जाते हैं एक मच नीडेड वेकेशन के लिए। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये वेकेशन उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है जब अचानक उन दोनों में से एक गायब हो जाती है। अब वो गायब हुई या फिर उसका मर्डर हुआ ये कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस की नजरों में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा सस्पेक्ट विक्टिम की बेस्ट फ्रेंड ही है। अब स्टार्ट होता है भाई एक चूहे बिल्ली का थ्रिलिंग खेल, जहां ऐसा ऐसा क्लूज मिलेगा जिसको देखकर आप क्लूलेस हो जाएंगे। और आखिर ये मर्डर या फिर अबडक्शन कौन किया है? 2022 का द वीकेंड गेट अवे एक जबरदस्त एज ऑफ द सीट थ्रिलर है जो आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो ये मूवी आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि अपनी हीरोइन एक क्रायोजेनिक चेंबर में अपना आंख खोलती है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 90 मिनट का ऑक्सीजन है। और तो और उसका याददाश्त भी जा चुका है। अब 90 मिनट के अंदर उसको पहले तो ये याद करना होगा कि आखिर वो है कौन, और फिर उसे उस चेंबर से निकलना होगा। अब आगे क्या क्या होता है वो देखकर आपका सांस रुकने लगेगा। क्योंकि ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक बंद एनवायरनमेंट में आपको ना तो सिर्फ एक एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगा, बल्कि आपको ब्रेथलेस भी कर देगा। 2021 का फ्रेंच मूवी ऑक्सीजन को आप हमेशा याद रखिएगा लॉरेंट की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से। नेक्स्ट मूवी में 15 मिनट के अंदर मेरा होश उड़ चुका था। एक फोन कॉल से दो अलग अलग लड़की एक ही घर में कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन पे। एक लड़की 1999 में है और एक 2019 में, लेकिन दोनों रियल टाइम में एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं। आई मीन सोच के देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। और भाई जो उस मूवी में हुआ है वो आप सोच भी नहीं सकते और एक्सपेक्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोनों एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, लेकिन भाई जो विलेन का रोल प्ले की है ओ भाई क्या पावरफुल परफॉर्मेंस था यार उसका, टू गुड। 2020 का कोरियन ब्लॉकबस्टर द कॉल टाइम ट्रैवल को एक कम्प्लीटली न्यू वे में प्रेजेंट किया है, जिसको देखकर आप कोरियन मूवीज के और भी बड़े फैन बन जाएंगे। इसलिए भूल से भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा और भूल से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे कंटेंट्स रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट मूवी इस लिस्ट में से कौन सा था। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा फेसबुक एक्स एंड थ्रेड्स पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।